सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिली सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल अक्सर धर्म को विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है। कई बार ये दावा किया गया है कि नासा के हबल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में लोगों को भगवान शिव दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही कई बार ये भी दावा किया जाता है कि स्विट्जरलैंड में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के बाहर भगवान शिव की मूर्ति लगी है। लाख तर्क के बावजूद विज्ञान भी भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। अब तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी भगवान शिव और मौजूदगी को स्वीकार करता है। नासा ने खुद एक स्टडी में बताया था कि पृथ्वी पर पहला डीएनए एक उल्कापिंड से आया था जिसका आकार शिवलिंग जैसा था। ये उल्कापिंड अलास्का में अगस्त 2011 में गिरा था। चांद पर शिवलिंग देख वैज्ञानिकों के होश उड़े। क्या चांद पर इंसान रहते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं? यह नज़ारा देखना भी हो गया है हैरान, जहां नासा चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। और इसी बीच ये खबर दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, 50 साल बाद नासा फिर से चांद पर इंसान भेजने जा रहा है। इस बार नासा चांद पर एक पुरुष के साथ साथ एक महिला को भी चांद पर भेजेगा। बताया ये भी जाता है कि नासा 1972 के बाद चांद पर इंसानों को क्यों नहीं भेजा। उसकी असल वजह यह है कि नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्री को चांद पर एलियंस दिखे थे। अंतरिक्ष यात्री बहुत डर गए थे और दोबारा चांद पर ना जाने की कसम खाए थे, लेकिन नासा किसी तरह फिर से चांद पर जाने का मन बना लिया है। लेकिन ये खबर सुनकर फिर नासा के होश उड़ गए हैं। दरअसल यूं हुआ कि हमारे भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा था और सारी चीजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक ऑर्बिटर उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे कुछ उड़ता हुआ नजर आया और फिर गायब हो गया। जब ऑर्बिटर ने अपने कैमरे को जूम किया तो ऑर्बिटर को चांद की जमीन पर एक शिवलिंग दिखा। ऑर्बिटर ने इन सभी घटनाओं का वीडियो भी बनाया और साथ ही साथ फोटो भी लिया और इस डेटा को इसरो के पास भेजा। जब इस डेटा को इसरो के वैज्ञानिकों ने देखा तो उनकी होश उड़ गए और सोचने लगे कि चांद पर भगवान शिव की शिवलिंग कैसे पहुंची। इसरो के सारे वैज्ञानिक ओम नमः शिवाय की जाप करने लगे। तो दोस्तों आप भी कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे ही ये खबर नासा को मिली तो नासा के वैज्ञानिक इसरो से डेटा मांगने लगे। दोस्तों विज्ञान ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है तब जाकर उसे विश्वास करना ही पड़ता है। दोस्तों में इतिहास गवाह है, ग्रंथों में भी लिखा मिलता है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है जो पूरे विश्व में फैला हुआ था, जिसका सीधा सीधा संबंध हिंदू धर्म से है। दोस्तों विदेशों में भी हिंदू धर्म का पालन किया जा रहा है। दोस्तों इसरो जांच के लिए डेटा नासा को भेज दिया है, जल्द और जानकारी सामने आएगी। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, सभी तक शेयर कीजिएगा, सभी तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद।